मीठा किसे अच्छा नहीं लगता। ईद का मौका हो और मीठा ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज मैं आप लोगों को ईद के ऊपर बनाने वाला सबसे मज़ेदार डिज़र्ट बताऊंगी, जो कि बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं FM बावर्ची खाना यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दूध दुलारी की रेसिपी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक खूबसूरत सी कढ़ाही लेनी है और इसके अंदर आपने 1.5 किलो दूध शामिल कर देना है। मैंने डब्बे वाला लिया है, आप ताज़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद आपने 1 अदद इलायची तोड़ के डालनी है। 5 चम्मच आपने इसके अंदर चीनी डाल देनी है, दानेदार यूज़ की है मैंने, आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। अब आपने इसको मिक्स करना है और दूध के अंदर बॉयल आने देना है। तब तक आपने एक बोल लेना है, इसके अंदर 1 चम्मच भर के आपने कॉर्नफ्लावर का लेना है। 1 कप इसमें दूध शामिल करें और इसे मिक्स करके आपने एक घोल तैयार कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में अब आपको चाहिए होंगी कलरफुल वर्मसिलीज, यानी कि कलरफुल सवैयाँ। इनको मैंने पानी के अंदर बॉयल कर लिया, ये तकरीबन 1 कप है। यहाँ पर कलरफुल सवैयाँ बहुत अच्छी लगती हैं इस डेजर्ट के अंदर। अब आप देख सकते हैं दूध के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपने इसको मिक्स कर लेना है एक दफ़ा और आँच को आपने मीडियम कर देना है। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर शामिल करनी है वर्मसिलीज, यानी कि उबली हुई कलरफुल सवैयाँ। सवैयाँ डालने के बाद 5 मिनट के लिए आपने इसको दरमियानी आँच पर पकाना है। 5 मिनट के बाद आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और दूध का मिक्सचर तैयार किया था जो, वो डालना है थोड़ा थोड़ा करके और इसे मिक्स करते जाना है हल्के हाथ से। कॉर्नफ्लावर डालने से दूध जो है आपका थोड़ा थिक हो जाएगा, और मैंने डब्बे वाला लिया है तो डब्बे वाले दूध से बहुत ज़्यादा क्रीमी डिज़र्ट आपका बनके तैयार होता है। तो कॉर्नफ्लावर और दूध का मिक्सचर शामिल करने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए पकाया, ये थिक हो गया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और 15 मिनट के लिए इसको रूम टेम्परेचर पर मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया। अब आपका जो दूध का मिक्सचर था ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 कप के करीब मिक्स फ्रूट कॉकटेल, यानी कि मिक्स फ्रूट का जो टिन आता है वो 1 कप आपने इसमें शामिल करना है, उसका सिरप नहीं डालना। इसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का। आप कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की। पूरा पैकेट आपने डालना है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क। मैंने होममेड लिया है, बहुत आसानी से बन जाता है। वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा होममेड कंडेंस मिल्क का भी। तकरीबन 1/2 कप आपने डालना है, मिक्स कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉबेरी जेली है और बनाना जेली है, ग्रीन और रेड, दोनों को मैंने 1/2 कप यहाँ पे शामिल कर दिया है। आपको जो भी जेली पसंद है, जिस भी कलर की, जिस भी फ्लेवर की पसंद है, आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ग्रीन भी डल गई, रेड भी डल गई, आप चाहें तो मैंगो वाली भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें शामिल कीजिएगा चमचम, ये मिठाई होती है। 10 से 12 दाने आपने इसमें शामिल कर देने हैं और चमचम डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको खूबसूरत सी डिश के अंदर सर्व करना है। आपकी मज़ेदार सी दूध दुलारी जो है ये बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आपने इसको गार्निश करना है रेड जेली से, ग्रीन जेली से, और थोड़े से हम पिस्ते और बादाम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, ताकि ये देखने में भी बहुत ही मज़े की लगे। इस दूध दुलारी को आपने सबसे पहले बनाने के बाद फ्रिज में रखना है और इसे अच्छे तरीके से आपने ठंडा करना है और फिर मेहमानों के आगे, घर वालों के सामने पेश करना है। सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस ईद पे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। So thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz and Allah Nigeban.